सभी जाति, मजहब और धर्म के लोग एक साथ छतों पर खड़े होकर पतंग उड़ाते हुए भी नजर आएंगे। बता दें कि राजधानी में 90% अल्पसंख्यक लोग पतंग बनाने का काम करते हैं और ऐसे में दुकानदारों और जो भी लोग यहां पर पतंग खरीदने के लिए पहुंच रहे हैं, और ऐसे में हमारे सहयोगी की एक खास रिपोर्ट भी देखिए। हिंदुस्तान में सभी त्योहारों के मौके पर गंगा जमनी तहजीब की जो मिसाल है वो कायम होती हुई नज़र आती है। ऐसे में मकर संक्रांति के मौके पर भी जो हिंदू मुस्लिम एकता का जो बड़ा संदेश है वो राजधानी जयपुर से दिया जाएगा। आप देख सकते हैं मकर संक्रांति के त्यौहार के मौके पर जो हांडीपुरा इलाका है वो एक तरीके से जो है पतंग वालों के मोहल्ले के नाम से मशहूर हो जाता है। यहाँ पर जो 90% अकलियती जो आबादी है वो पतंगों का कारोबार यहाँ पर करना शुरू कर देती है। आइए यहाँ पर जो दुकानदार है उन दुकानदारों से हम बात करेंगे, किस तरह से जो है मकर संक्रांति के मौके पर यहाँ पर जो सांप्रदायिक सौहार्द की जो मिसाल है वो नजर आती है। पहले आप नाम जानना चाहेंगे, कब से आपकी यहाँ कब से यहाँ पर पतंग की दुकान है, सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल जयपुर में नजर आई? यहाँ हमारा खानदानी काम है पतंग का। पतंग की जब यहाँ पे ओनली 3 दुकानें थी, जिस टाइम पे 3 दुकानें थी, हमारे दादा नाना परदादा सबका यही काम था, 3 दुकानें थी। अब इस मार्केट में 120 दुकान है, 120 दुकान का मार्केट है ये हांडीपुरा पतंग मार्केट। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मार्केट है ये, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मार्केट है जो कि हांडीपुरा पतंग मार्केट है जयपुर के अंदर। यहाँ पर जो अपने कारखाने हैं पतंगों के, हर कारखाने में 1000-1500 पतंग तैयार होती है। ऐसे करके मान के लिए 1.5 से 2 लाख पतंग तैयार होती है इस बाजार में। 1.5 से 2 लाख पतंग का आपने यहाँ पर जिक्र किया, आपसे हम जानना चाहेंगे जिस तरह से वर्तमान समय में मुल्क का माहौल चल रहा है, उस माहौल के बीच में एक हिंदू मुस्लिम एकता की जो पहचान है वो जयपुर से जो है जाती हुई नजर आ रही है। यहाँ हमारा बहुत प्रेम है, ना कोई हिंदू ना मुसलमान, सब भाई भाइयों की तरह रहते हैं, बहुत प्रेम है यहाँ पर, सब प्रेम से रहते हैं सब लोग। ये कहा जा सकता है कि जयपुर का जो हांडीपुरा इलाका है वो इस वक्त एक बड़ी मिसाल कायम करता हुआ नजर आता है। आइए यहाँ पर कुछ और लोग मौजूद है, आपसे जानना चाहेंगे भाई साहब, मकर संक्रांति का त्यौहार है, मकर संक्रांति के त्यौहार पर किस तरह से जो पैगाम संदेश आप जयपुर की सरजमी से देना चाहेंगे? सर, मैं संदेश देना चाहूंगा, जो हमारी जो बनती है मकर संक्रांति बहुत ही अच्छी बनती है, इसमें कोई साइड इफेक्ट वो नहीं है, मतलब सब मिलके मनाते हम लोग। जिस तरह से कुछ लोग अभी हमने देखा जिस तरह से पुलिस ने कार्रवाई की, चाइनीज मांझे भी मार्केट में नजर आ रहे हैं, उनको लेकर आप क्या कहेंगे? क्या कुछ ऐसे लोग तो काली बाजारी कर रहे हैं चाइनीज? वो चीज गलत है, जो कॉटन होता है वो अच्छा होता है, उसी को यूज करो, वो बढ़िया है। ऐसा काम बेकार है जिससे जान जाए लोगों की और नुकसान हो। कॉटन बहुत अच्छी चीज है, कॉटन यूज करो। और लोग मौजूद है, आइए इन लोगों से हम जानते हैं, मतलब आप कहाँ से आए हो, किस तरह से, कहाँ के आप रहने वाले हो, क्या नाम है आपका, आपसे जानना? मेरा सुमित कुमार नाम है, जयपुर का रहने वाले हैं। मकर संक्रांति का त्यौहार मनाया जाएगा, कहाँ पर आप पतंग खरीदने के लिए पहुँचे, कौन सा इलाका है? हांडीपुरा ये ना, मैं नया हूँ यहाँ पे। क्या कुछ मैसेज आप देना चाहेंगे मकर संक्रांति के मौके पर? बस कहते हैं प्लास्टिक मंजा इस्तेमाल मत करो, जो नेचुरल मिलता है उसका इस्तेमाल करो, बाकी प्लास्टिक मंजा हार्म करता है, उसकी कोई जरूरत नहीं है, फालतू में पक्षी भी परेशान होते हैं। और लोग भी यहाँ पर मौजूद है, आपसे जानना चाहेंगे कहाँ के आप रहने वाले हो, किस तरह से है, क्या कुछ पैगाम, क्या कुछ संदेश आप मकर संक्रांति के संदेश आप देना चाहेंगे? यहाँ पे बहुत अच्छा मार्केट चल रहा है और बहुत बढ़िया मार्केट चल रहा है, प्रशासन भी अपने हिसाब से बहुत अच्छा काम कर रहा है प्रशासन भी, और यहाँ के लोग भी सब तरीके से अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया मार्केट चल रहा है। और जैसे कि आ रहे हैं जो दूर दूर से लोग, उनको भी आगे दूर दूर से मांझा खरीदने के लिए आ रहा है। सर, क्या कुछ मैसेज देंगे आप जयपुर के पतंग बाजार? ये है कि मैं जयपुर के पास चौमू टाउन है, वहाँ से सिर्फ पतंगे लेने के लिए नासिर भाई की दुकान पर आया हूँ। इनकी जो क्वालिटी और जो रेट है वो पूरे राजस्थान में कहीं नहीं है, हिंदुस्तान की बात मैं नहीं करूंगा, लेकिन राजस्थान में सबसे बेस्ट रेट, सबसे बेस्ट क्वालिटी और सबसे बेस्ट इनका व्यवहार है, क्योंकि पूरे राजस्थान में मकर संक्रांति का त्यौहार मनाया जाता है। जयपुर के आप पतंग वालों के मोहल्ले के आप रहने वाले हैं, किस तरह से यहाँ पर आपसी भाईचारे का पैगाम नजर आ रहा है आपको? बहुत बढ़िया पैगाम है, यहाँ पे माशाल्लाह सभी हिंदू भाई मुसलमान भाई एकता से यहाँ पे खरीदारी कर रहे हैं, बेचवाली कर रहे हैं सब, माशाल्लाह माहौल बहुत अच्छा बना हुआ है यहाँ पे, आप देख सकते हैं आप यहाँ पे कितना बढ़िया माहौल है, किसी पब्लिक है यहाँ पे, सब दुकानों पे इतनी जनता है, इतनी पब्लिक है, सब में बिक्री है और सब में एकता के साथ सब एक साथ जुट होकर पतंगबाजी मकर संक्रांति बनाएंगे और खरीदारी करेंगे, बहुत बढ़िया माहौल है। आप देख सकते हैं राजधानी जयपुर की सरजमीन के पतंग वालों के मोहल्ले से यही पैगाम देने की कोशिश की जा रही है कि जो मकर संक्रांति का त्यौहार आने वाले दिनों में मनाया जाएगा वो हर्षोल्लास और आपसी भाईचारे के साथ मनाया जाए। सहयोगी कैमरा पर्सन राकेश गुप्ता के साथ मोहम्मद रजाउल्लाह, इंडिया न्यूज़।